Hello students, welcome to Rishan Salutech. I am assisting your science teacher and we are going to study about the sixth part of your first biology chapter, which name is life processes or just life process. Student, आज हम लोग अपने इस life process chapter के sixth part को start करने जा रहे हैं. और इस sixth part को start करने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि हम लोग इससे पहले वाला जो part था हमारा fifth part, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े थे. ठीक है, उसके बाद हम लोग एक अप टू डेट हो जाएंगे, एक हम उस लेवल तक जान जाएंगे कि हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं और इसके आगे हमको क्या पढ़ना है, तो इस तरीके से पढ़ाई करने में हमको इजी होगा. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये अगर आपका पार्ट सिक्स है तो हम लोग पार्ट फाइव में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ चुके हैं. तो पार्ट फाइव में हम लोग अपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में जो भी आपके स्टेज आते हैं उन स्टेज के बेसिक के बारे में जाने थे कि उस स्टेज का बेसिक क्या क्या होता है. सबसे पहले हम लोग जाने थे कि इंजेशन का प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग समझे थे कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है. बस इसके नाम को हम लोग जाने, इसे कंप्लीट स्टडी को करना बाकी है. फिर हम लोग बात किए थे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिर देखे थे कि एसिमिलेशन क्या होता है, और फिर लास्ट में हम लोग अपने पांचवें स्टेज यानी इजेशन के बारे में समझे थे कि इजेशन क्या होता है. उसके बाद हम लोग ये भी समझे थे कि हमारा जो हम लोग का न्यूट्रिशन होता है सिंपल ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स उसमें किस प्रकार से होता है. तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि आपका अमीबा में कैसे होता है, इसके बारे में हमको देखना है. ठीक है, या देखे थे हम लोग, या हाइड्रा में कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे. ठीक है, तो ये सब हम लोग पार्ट अपने फाइव में कंप्लीट कर चुके थे. अब हमको ये देखना है कि हमारा जो एनिमल्स में, यानी कि जो हम लोग अपने न्यूट्रिशन को यानी ह्यूमन बींग के बेसिस पे जो हम लोग पढ़े थे, आपको हम कल बताए थे कि अब जो हम लोग कंप्लीट न्यूट्रिशन पढ़ेंगे वो ह्यूमन बींग को ही बेस मान के अपने कंप्लीट न्यूट्रिशन के स्टेज के बारे में पढ़ेंगे. तो ह्यूमन बींग को बेस मानते हुए हम लोग आज अपने न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. तो सबसे पहला आज का जो स्टेज है वो है इंजेशन. तो इंजेशन कुछ ज्यादा नहीं है, जो कल बताए थे वही है कि आपका ह्यूमन बींग अपने स्पेशल ऑर्गेन से क्या करता है, फूड को इंटेक करता है, और वो स्पेशल ऑर्गेन होता है माउथ, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन का प्रोसेस कहते हैं. ठीक है, जो मेन चीज आपको जानना है वो जानना है डाइजेशन में. जो मेन चीज आपको समझना है वो समझना है डाइजेशन में. तो अब स्टेप बाय स्टेप आप लोग बस सुनते रहो कि ये डाइजेशन क्या होता है. तो सबसे पहले डाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपने बॉडी में अपने माउथ में इंटेक करते हैं तो उसको इस फॉर्म में तोड़ दें, इस लेवल में तोड़ दें, इतने छोटे साइज में तोड़ दें कि उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जा सके, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाए और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक जटिल स्ट्रक्चर से एक बिग स्ट्रक्चर से उस फॉर्म तक में कन्वर्ट करने के कंप्लीट जर्नी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं. अब ये डाइजेशन जो है, ये जिस जिस ऑर्गेन से आपका डाइजेशन आपका पॉसिबल होता है उन ऑर्गेन को संग्रह करके कंबाइन करके हमने क्या बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं, ये सब कुछ आप कल जान लें, यानी कल का मतलब कि पिछले पार्ट में आपने समझ लिया था. एलिमेंट्री कैनल क्या होता है ये भी आपने पिछले पार्ट में समझा था. एलिमेंट्री कैनल में कौन से ऑर्गेन कौन से ग्लैंड होते हैं ये आपने जाना था. आज हमको इस डाइजेशन के बारे में कंप्लीट स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी आप फूड को अपने माउथ में इंटेक करते हो तो आपके माउथ में उस फूड का फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, यानी फिजिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. माउथ के नीचे तो सब जगह केमिकल ही होगा, लेकिन माउथ में आपका फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस डाइजेशन का, ये दोनों होता है. अब फिजिकल प्रोसेस कैसे होता है और केमिकल प्रोसेस कैसे होता है, तो फिजिकल प्रोसेस आपका, जब आप फूड को माउथ में इंटेक करते हो तो आपके बकल कैविटी में, आपके बकल कैविटी में टीथ है, आपका टंग है, सैलिवरी ग्लैंड है. तो जो टीथ होता है वो उस फूड को च्यू करना स्टार्ट करता है, चबाना स्टार्ट करता है, और उस फूड को क्या करता है, उस फूड को स्मॉल पीसेस में
कन्वर्ट करता है, उसको उस फूड को क्या करता है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है। किसके द्वारा ये कन्वर्ट किया जाता है? टीथ के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, चीविंग के प्रोसेस को करके। तो जब टीथ के द्वारा फूड को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रोसेस। और इस प्रोसेस का एक प्रॉपर नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन बोलते हैं। मैस्टिकेशन का मतलब कि द कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स साइज ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द चीविंग थ्रू टीथ, इट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। अब जब इस दांत की मदद से, टीथ की मदद से हम लोग फूड को चबा के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे तो आपके माउथ में ही एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। अब सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो एक खास प्रकार के लिक्विड को सेक्रेट करता है। अब वो जो लिक्विड होता है वो आपका होता है सलाइवा। ये कैसा होता है? सलाइवा। सलाइवा जो होता है ये आपका वाटरी कंटेंट वाला लिक्विड होता है, इसमें वाटर का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। वाटर का मात्रा ज्यादा होने के चलते जो भी आप लोग अपने फूड को चबाए हो उस फूड में ये वाटर क्या करता है, ये सलाइवा क्या करता है, जाके मिक्स होना स्टार्ट करता है। अब चूंकि इस सलाइवा में वाटर का मात्रा होता है तो ये सलाइवा क्या करता है, उस आपके च्यूड फूड को क्या करता है, वेट बना देता है। वो क्या करता है, उसको गीला कर देता है। गीला इसलिए करता है ताकि जब वो माउथ से आपके इसोफेगस में ट्रांसफर हो तो वो इजीली क्या कर जाए, नीचे की तरफ आपका पुश हो जाए, इसलिए उसको क्या करता है, गीला करता है। तो समझिए यहां पे सैलिवरी ग्लैंड जो है वो क्या है, एक आपके लिक्विड को सेक्रेट किया जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा जो है वो वाटरी कंटेंट होने के चलते आपका जो चबाया हुआ फूड है उसको मॉइस्ट कर देता है, वेट कर देता है। पहला फंक्शन तो ये हो गया। साथ ही साथ ये जो सलाइवा जो है ये अपने अंदर एक एंजाइम को कंटेन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। क्या बोलते हैं? सैलिवरी अमाइलेज। अब ये एक ऐसा एंजाइम है, ये एक ऐसा एंजाइम है जो आपके माउथ में ही एक खास प्रकार के न्यूट्रिएंट को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है और आपके फूड में जो स्टार्च का मात्रा होता है, स्टार्च यानी कि जो आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा होता है, इस कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट को ब्रेक करना आपके माउथ से ही क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। और आपके माउथ में इस स्टार्च का ब्रेक डाउन कौन करता है, तो उस सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया, सेक्रेट किया गया सलाइवा है और उस सलाइवा में कंटेन हुआ जो आपका सैलिवरी एमाइलेज है, ये सैलिवरी एमाइलेज ही क्या करता है, आपके फूड में मौजूद स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए जो वो फूड में आपका ब्रेकडाउन, जो भी काम आपके माउथ में हुआ उतना से तो होगा नहीं, अभी उसको बहुत ही छोटे पार्ट में कन्वर्ट होना है, उसको इतने छोटे पार्ट में कन्वर्ट होना है कि वो वाटर में क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। तो उसके लिए हाँ, तो ये जो चबाने वाला काम था ये फिजिकल प्रोसेस था और यहाँ पे जो सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा फूड में मौजूद स्टार्च का जो ब्रेकडाउन हो रहा है ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये केमिकल प्रोसेस होगा। अब देखिए, अब वो फूड जो है वो आपके माउथ से आपके फूड पाइप के रास्ते स्टमक में आएगा। अब ये जो आपके बकल कैविटी के नीचे से, बकल कैविटी जहां एंड हो रहा है, ठीक है, उसको हम फेरिंग्स एक जंक्शन है, इस बकल कैविटी जहां खत्म हो रहा है वहां से एक पाइप नीचे की तरफ गुजरा है, जो पाइप आपके स्टमक में आके क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो ये फेरिंग से होते हुए ये पाइप आ रहा है और इस पाइप को हम लोग बोलेंगे इसोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप के नाम से जानेंगे। अब ये फूड पाइप या इसोफेगस, यहां देख सकते हैं आप लोग, ये रहा आपका फूड पाइप या इसोफेगस। अब इस फूड पाइप में या इस इसोफेगस में एक आपका मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है कि जो ये इसोफेगस का आपका वॉल्स हैं, ये वॉल्स जो हैं ये कंट्रैक्ट करते रहते हैं और रिलैक्स करते रहते हैं, यानी कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मूवमेंट होता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मूवमेंट होता है। अब ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मूवमेंट होता है फूड पाइप में, इसोफेगस में, इसके हेल्प से वो फूड जो है वो आपके माउथ से चल के आपके स्टमक में बहुत ही इजीली क्या होता है, पुश कर दिया जाता है। और ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मूवमेंट है, इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नाम से जानेंगे, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ इसोफेगस व्हिच हेल्प द फूड टू पुश डाउन इनटू द स्टमक इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब समझिए ये आपके इसोफेगस का भी जो बात है ये आपको समझ में आया। अब सीधे हम लोग बढ़ते हैं कि वो फूड जो है वो थोड़ा मोड़ा जो भी डाइजेस्ट हुआ है वो अब कहाँ पहुंचा, ये एक ऑर्गेन है जो जे शेप ऑर्गेन बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जे शेप्ड ऑर्गेन बोलेंगे, जो हमारे एब्डोमेन में निचले हिस्से में पाया जाता है और इस जे शेप्ड ऑर्गेन का नाम होता है स्टमक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। अब जब इस इसोफेगस, इस इसोफेगस या फूड पाइप के रास्ते जो फूड है स्टमक में जब पहुंचेगा तो वो 3 से 4 घंटे तक इस स्टमक के अंदर रहेगा और वहां पे उसका कंटिन्यू उस फूड का जो ब्रेकडाउन है वो होते रहेगा। अब ये 3 से 4 घंटे तक ये आपका स्टमक जो है किस प्रकार से खाने को ब्रेक डाउन करता है तो अब इसके बारे में समझते हैं। इस ये स्टमक के जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, ये जो आपका स्टमक का वॉल्स होता है इंटरनल वॉल्स, इसके अंदर 3 आपके ग्लैंड मौजूद होते हैं। इस स्टमक के अंदर, स्टमक के वॉल्स के अंदर 3 तरह के ग्लैंड्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब ये ग्लैंड्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस को सेक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करते हैं। ये ग्लैंड्स किसको सेक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को। अब ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 तरह के एंजाइम को क्या करता है, कंटेन करता है। कौन कौन से, सबसे पहला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है। दूसरा होता है पेप्सिन, दूसरा क्या होता है, पेप्सिन। अभी हम लोग कहाँ हैं, स्टमक के अंदर है, स्टमक का बात करें। और तीसरा होता है म्यूकस, तीसरा क्या होता है, म्यूकस, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग स्टमक के, तो स्टमक के जो आपके वॉल्स हैं, स्टमक के जो वॉल्स हैं इसके अंदर आपके 3 ग्लैंड आपके क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये 3 ग्लैंड के द्वारा क्या सेक्रेट किया जाता है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट किया जाता है। गैस्ट्रिक जूस जो कि आपका 3 एंजाइम को सेक्रेट कंटेन करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। अब ये 3 क्यों, अब समझिए, जो ये HCl है, ये HCl क्या करता है, इस गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब भैया क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है कि हम अपने इस गैस्ट्रिक जूस को क्या करें, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करें, तो जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो दूसरा हमारा एंजाइम है कौन, पेप्सिन, ये आपके फूड में मौजूद जो प्रोटीन है इसका ब्रेक डाउन स्टार्ट करता है या इसका ब्रेक डाउन करता है। तो ये पेप्सिन आपके फूड में मौजूद प्रोटीन का ब्रेकडाउन तभी करता है जब ये पेप्सिन किस मीडियम में काम करे, एसिडिक मीडियम में काम करे। यानी कि जब एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा तब वो प्रोटीन, ये पेप्सिन जो है उस प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं करेगा। तो उस पेप्सिन को काम कराने के लिए, उस पेप्सिन को वर्क कराने के लिए ये HCl को इस गैस्ट्रिक जूस को किस में आपका कन्वर्ट करना पड़ता है, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, आपने HCl के बारे में तो समझा, आपने पेप्सिन के बारे में तो समझा, अब ये जो तीसरा है म्यूकस, ये म्यूकस क्या करता है इसके बारे में समझते हैं। तो म्यूकस जो है इस HCl से जो हमारे स्टमक के जो इनर वॉल्स हैं, इस इनर वॉल्स को क्या करता है, बचाता है, क्योंकि ये इनर वॉल्स HCl के संपर्क में आएंगे तो वहां पे वो इनर वॉल्स में क्या होगा आपका डिस्ट्रॉय, वो इनर वॉल्स क्या होंगे आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो आपके बर्बाद होंगे, उसमें क्या होगा, क्षति पहुंचेगा, ठीक है। तो ये इनर वॉल्स को क्या करता है आपका म्यूकस, इस HCl के ओवर सेक्रेशन से क्या करता है, बचाता है, या HCl से होने वाले डैमेज से क्या करता है, बचाता है। अब ये HCl के 2 फंक्शन, एक तो आपका ये गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ये गैस्ट्रिक जूस को क्या करता है आपका मीडियम प्रोवाइड करता है, कैसा, एसिडिक मीडियम। दूसरा, इस HCl का एक दूसरा ये फंक्शन है कि ये फूड में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है, मार डालता है। तो HCl के 2 फंक्शन होंगे, गैस्ट्रिक जूस को क्या करेगा, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, और फूड में मौजूद जो बैक्टीरिया होंगे उनको क्या करेगा, खत्म करेगा।
तो यहां तक का जर्नी था स्टमक तक, यहां तक आपका 3 से 4 घंटे में ये काम होता है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे फूड अभी भी कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो फूड आपका पार्शियल डाइजेस्ट हुआ है, आधा अधूरा डाइजेस्ट हुआ है। अब उस फूड को है जाना है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। कहाँ जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो वो फूड जो है फिर से स्टोमक अपने एलिमेंट्री कैनल के थ्रू इस स्टोमक से निकल के, इस स्टोमक से निकल के कहाँ जाता है, इस एलिमेंट्री ये सॉरी इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन दो तरह के ग्लैंड से निकले हुए जूसेस को क्या करते हैं आपका, समझिए तो एब्जॉर्ब करते हैं। दो तरह के ग्लैंड से प्रोड्यूस हुए जूसेस को क्या करते हैं, ये कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। कहां कहां से, तो पहला आपका है लीवर। ये लीवर, लीवर क्या करता है, बाइल जूस नाम का डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रेट करता है, और वो सेक्रेट करके कहाँ स्टोर करता है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस लीवर के अंदर एक आपका क्या है, गॉल ब्लैडर है। इसी गॉल ब्लैडर में आपका वो बाइल जूस जो है वो क्या होता है, स्टोर किया गया रहता है। अब ये आपके गॉल ब्लैडर से वो बाइल जूस जो है इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आता है और आके डाइजेशन का काम करता है और कुछ और भी फंक्शन करता है, आपको अभी बताएंगे हम, ठीक है। दूसरा आपका है पेनक्रियास। ये देखिए स्टमक के पैरेलली जस्ट नीचे आपको ये ग्रीन कलर का ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्लैंड, ये है पेनक्रियास। ये पेनक्रियास भी क्या करता है, अपने अंदर से पेनक्रियाटिक जूसेस को जो कि आपका डाइजेस्टिव जूस से एंजाइम है, उसको इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजता है डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका एक ऐसा एलिमेंट्री कैनल का ऑर्गन है कि जिसके पास अपने तो डाइजेस्टिव जूस है ही है, जो अपने वॉल से तो इंटेस्टिनल जूस को सेक्रेट करते हैं, साथ ही साथ दो अलग अलग जगह से भी इंटेस्टिनल जूस को लेते हैं अपने अंदर डाइजेशन को क्या करने के लिए, फूड के डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो समझिए, तो ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर से गॉल ब्लैडर में स्टोर हुए बाइल जूस को लिया और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस को लिया। अब क्यों लिया, कब लिया, कैसे लिया, पहले कौन लिया, बाद में कौन आया, इसके बारे में समझते हैं। तो लीवर में सब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले आता है आपका बाइल जूस। अब इस बाइल जूस के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। तो लीवर क्या करता है आपका, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये बाइल जूस जो प्रोड्यूस होते हैं लीवर में, ये कहाँ स्टोर होते हैं, तो गॉल ब्लैडर में ये क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। गॉल ब्लैडर में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। बाइल जूस जो कि आपका एक ग्रीनिश येलोइश या ग्रीनिश येलो क्या है, लिक्विड है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलेंगे, ठीक है। अब ये बाइल जूस जो है वो आपका कैसा होता है, नेचर में अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन नेचर का मतलब कि ये बेसिक नेचर का होता है, ये सॉल्टी नेचर का होता है, सॉल्टी नेचर का होता है। अब बेसिक नेचर या सॉल्टी नेचर का होने के चलते ये किस तरह के न्यूट्रिएंट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, तो ये फैट्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ये किसको डाइजेस्ट करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करता है। तो एक तो फंक्शन आपको मिल गया कि ये लीवर से जो आपका बाइल जूस निकलेगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मौजूद आपके फूड में फैट्स होंगे उनका डाइजेशन करेगा ये बाइल जूस। लेकिन बाइल जूस जो कि आपका खुद किस नेचर का है, अल्कलाइन नेचर का है, अल्कलाइन नेचर का होने के चलते जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, मान लीजिए कि ये लीवर हो गया, ठीक है, ये स्टमक हो गया और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। यहां से कौन आ रहा है आपका, बाइल जूस आ रहा है जो कि कैसा है, अल्कलाइन नेचर का है, बेसिक नेचर का है। यहां से कौन आया था आपका, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड आया था, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड आया था, ठीक है, अभी अभी कुछ देर पहले आया था, जो कि किस नेचर का था, एसिडिक नेचर का था। अब ये
जो बाइल जूस होगा अपने अल्कलाइन नेचर के चलते पहले तो इस डाइजेस्टेड फूड को जो आपका स्टमक से डाइजेस्ट होके आया है उसके एसिडिक बिहेवियर को खत्म करेगा, उसके एसिडिक बिहेवियर को न्यूट्रलाइज करेगा। और इसलिए न्यूट्रलाइज करेगा क्योंकि अभी तीसरा एक जगह से आना बाकी है और वो है पेनक्रियाज। यहाँ से जो आपका पेनक्रियाटिक जूस आएगा ये तभी पेनक्रियाटिक जूस काम करेगा जब वो आपका फूड कैसा हो, एसिडिक मीडियम में ना हो, वो फूड आपका एसिडिक मटेरियल में, एसिडिक मीडियम में ना हो। तो इस पेनक्रियाटिक जूस को अच्छे से काम कराने के लिए पहले बाइल जूस आएगा और बाइल जूस फैट को तो डाइजेस्ट करेगा ही, साथ ही साथ इस स्टमक से आए हुए फूड के एसिडिक बिहेवियर को नॉर्मलाइज करेगा, उसको न्यूट्रल करेगा, उसको क्या करेगा, खत्म करेगा, ताकि पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आए तो वो क्या कर सके, डाइजेशन कर सके। अब चलिए हम बात करते हैं पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज जो है ये क्या करेगा, पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करेगा। पेनक्रियाटिक जूस यानी कि जिसके अंदर तीन तरह के एंजाइम आपके कंटेन होंगे। सबसे पहला आपका होता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, सबसे पहला क्या होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। दूसरा होता है एमाइलेज ट्रिप्सिन, ठीक है, और तीसरा होता है आपका लिपेज, इसको लाइपेज भी बहुत लोग कहते हैं, लिपेज या लाइपेज बहुत लोग इसको कहते हैं। अब देखिए जो आपका पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो आपके फूड में बचे हुए स्टार्च हैं, जो आपके फूड में बचे हुए स्टार्च हैं या कार्बोहाइड्रेट है उनका ब्रेकडाउन करेगा। ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज किसका ब्रेकडाउन करेगा, तो जो आपके फूड में मौजूद या बचे हुए स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट हैं उनका ब्रेकडाउन करेगा। जो ये एमाइलेज ट्रिप्सिन है ये आपके फूड में मौजूद जो प्रोटीन है इस प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा, किसका ब्रेकडाउन करेगा, इस प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा। और जो आपका लिपेज है ये लिपेज आपके फूड में मौजूद जो फैट्स हैं इस फैट्स का ब्रेकडाउन करेगा, इस फैट्स का ब्रेकडाउन करेगा। तो इस तरीके से ये पेनक्रियाटिक जूस जो है वो अपने साथ ये तीन तरह के एंजाइम को जो लेके आया था, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज ट्रिप्सिन एंड लिपेज, ये तीन तरह के जूस जो है वो अलग अलग खास प्रकार के न्यूट्रिएंट को ब्रेक करने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब आपका लीवर से आया हुआ बाइल जूस भी अपना काम कर लेता है, जब पेनक्रियास से आया हुआ पेनक्रियाटिक जूस भी अपना काम कर लेता है, उसके बाद से निकलता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो आपका जूस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में जो इंटेस्टिनल जूस होता है, जो इंटेस्टिनल जूस होता है ये अपना काम करते हैं। ये इंटेस्टिनल जूस क्या करते हैं, अब लास्ट में आके कंप्लीट डाइजेशन यही करते हैं, यही आपका क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। और कंप्लीट डाइजेशन जो करते हैं तो किसमें करते हैं, तो जो आपके फूड में मौजूद स्टार्च था, ठीक है, जो आपके फूड में मौजूद स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो आपके फूड में मौजूद प्रोटीन था, ठीक है, प्रोटीन इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, अमीनो एसिड में। और जो फैट्स था, फैट्स, इस फैट्स को कन्वर्ट करते हैं किसमें, फैटी एसिड में, फैटी एसिड या और ग्लिसरॉल में, किसमें, ग्लिसरॉल में। तो फाइनल जो आपका डाइजेशन होने के बाद, जो कंप्लीट डाइजेशन हो गया, तो फाइनल जो आपका फूड है वो किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और ये चारों आपका जो सब्सटेंस हैं वो वाटर सॉल्युबल क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, इतने छोटे हैं तो होते हैं कि वाटर में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। और वाटर क्या करेगा, इनको अपने में वाटर के साथ ही डिजॉल्व होके क्या हो जाएंगे, हमारे वॉल्स के, ये हमारे इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में जो विल्ली प्रेजेंट होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और वो विल्ली जो है उनको कहाँ तक पहुँचा देगा, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा देगा। तो ये था यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ पे लास्ट में आके क्या हुआ, हमारा कंप्लीट डाइजेशन हुआ, ठीक है। तो चलिए ये सारे थ्योरी को तो आपने कंसेप्ट को समझा, थोड़ा सा इस डायग्राम पे हम फोकस करते हैं, इस डायग्राम को आपको समझाते हैं कि ये डायग्राम जो है वो क्या है। जो आपको बताए हैं चलिए,
देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, माउथ। ठीक है, माउथ का काम क्या है, सेलाइवा को सेक्रेट करना, डाइजेशन को स्टार्ट करना। फिर है सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड आपका ये रहा, ये आपका सेलिवरी ग्लैंड, ये आपके सेलिवरी ग्लैंड जो सेलाइवा को आपका क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, फिर आपका आ गया इसोफेगस। इसोफेगस जहां से फूड पास करता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के हेल्प से ये फूड जो है नीचे जाता है, नीचे आपका इसोफेगस के रास्ते। फिर आपका फूड कहाँ आएगा, स्टमक में। स्टमक उस फूड को क्या करेगा, होल्ड करेगा, और इसमें जो आपके ग्लैंड मौजूद है वो ग्लैंड क्या करेंगे, जूसेस को सेक्रेट करेंगे, पेप्सिन को सेक्रेट करेंगे, एसिजन को सेक्रेट करेंगे, म्यूकस को सेक्रेट करेंगे, जो अपना अपना फंक्शन यहाँ पे दिखाएगा। फिर आपका ये आपका फूड जो है ये स्टमक से चल के कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ से दो अलग अलग जगह से क्या आएंगे, जूसेज आएंगे, पहला आपका पेनक्रियाज और दूसरा आपका लीवर। ठीक है, अब इससे जो जूसेज आते हैं लीवर से बाइल जूस, उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में आपने समझ लिया। जो पेनक्रियाज है इससे आपको पेनक्रियाटिक जूस आता है, इसका फंक्शन क्या है इसके बारे में भी आपने समझ लिया। ठीक है, नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज, अच्छा थोड़ा सा साइज के बारे में देखो, बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो छोटा है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ा है। तो बड़े वाले का नाम हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन और छोटे वाले का नाम हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। इसके पीछे का जो आपका रीजन ये है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या है, ब्रॉड है, देखो चौड़ा है, कितना चौड़ा है देखो, बहुत ज्यादा चौड़ा है। तो इसके ब्रॉड होने के चलते, इसके ब्रेथ की चौड़ाई ज्यादा होने के चलते, ये आपका इनके अंदर ब्रेथ ज्यादा होने के चलते इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो पतला, लंबा तो होता है लेकिन पतला होता है, तो इसके नैरो होने के चलते इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो ऐसे बात नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिजम्स का में हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो सेम लेंथ का होगा, नहीं, डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस तरह के फूड को इनटेक करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हर्बीवोरस एनिमल का बात कर रहे हैं, जैसे काऊ हो गए, बफेलो हो गए, गोट हो गए, रैबिट हो गए, तो ये जो हर्बीवोरस एनिमल है जो घास खाते हैं, घास यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट के किस फॉर्म को इनटेक करते हैं, तो सेलुलोज को इनटेक करते हैं, और सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो सेलुलोज जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लंबा होता है, बड़ा बड़ा होता है, किसके कंपेयर में, कार्निवोरस एनिमल के कंपेयर में। कार्निवोरस एनिमल्स मीट खाते हैं, फ्लेश खाते हैं, और मीट और फ्लेश को पचाना, डाइजेस्ट करना आसान होता है किसके कंपेयर में, उस सेलुलोज या घास को पचाने के कंपेयर में। तो जो मीट खाते हैं, फ्लेश खाते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो कम होता है, और हर्बीवोरस वाले का स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो आपका ज्यादा होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो कुछ खाना आपके अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बच जाते हैं, वो आपके एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो फिर वो कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में उसको फैसेस के फॉर्म में, स्टूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब इधर आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये आपका अपेंडिक्स है जिसका कोई काम नहीं होता है आपके बॉडी में, ये अपेंडिक्स है। अब देखिए, ये जो आपके डॉट डॉट हैं, ये जो डॉट डॉट आपको दिखाए गए हैं, ये होते हैं बैक्टीरिया जिनका काम है लिव इन इंटेस्टाइन्स मेक विटामिन्स यूज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो विटामिन से इनका फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, तीसरा होता है वेंस, आपको वेंस ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, एक तो दिखाई दे नहीं रहा होगा, हाँ देखिए देखिए यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है, ये भी वेंस है, ये भी वेंस है, बहुत ज्यादा ये वेंस होते हैं, बहुत कैपिलरीज, वेंस, आर्टरीज हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट, इनको एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, कि ड्रेन इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कैरिंग डाइजेस्टिव फूड इनटू पोर्टल वेन, ये आपका क्या करता है, पोर्टल वेन में क्या करता है, ये फूड को क्या करता है, कैरी करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पोर्टल वेन है, ये आपका ड्यूओडेनम है, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर, ये लीवर, ठीक है, ये आपका हेपेटिक वेन हो गया, ये ट्रैकिया हो गया जिसको हम लोग विंड पाइप के नाम से जानेंगे, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उस वक्त इस ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका एपिगोलाइटिस हो गया जिसको आपका इस एपिगोलाइटिस का काम जो होता है वो ये होता है कि स्वेलिंग के वक्त जो आप स्वेलिंग करते हैं तो स्वेलिंग के वक्त ये आपके विंड पाइप को क्या करता है, क्लोज करता है, विंड पाइप को क्या करता है,
क्लोज करता है, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरीके से ये आपका क्या था, डाइजेशन था, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था। यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाएं, ये आपका पिक्चर है विंड पाइप, ये फूड पाइप का, देखो ये आपका जो पिक्चर है ये है आपके फूड पाइप का, अंदर से कितनी तरह से कितना नैरो होता है। अब इधर से खाना को पास करके नीचे स्टमक में जाना होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अपने खाना को चबा चबा के छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट करके तब खाओ। जितना छोटे साइज में तुम चबा के कन्वर्ट कर दोगे उतना आसानी से वो खाना जो है इस विंड इस फूड पाइप या इसोफोगस के रास्ते वो क्या होगा, नीचे की तरफ क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। इसीलिए खाना को अच्छे से चबा के हमारे स्टमक में ले जाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको हम पिक्चर दिखा लेते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, जैसे देखिए, द ग्लैंड इन द वॉल्स ऑफ द स्टोमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। ये जो आपका स्टोमक के वॉल्स में जो ग्लैंड मौजूद होता है उसका पिक्चर है जो आपका गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, जिसमें आपके तीन तरह के एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन और म्यूकस। तो ये आपका स्टमक वाला ग्लैंड, ये आपका लीवर है, लीवर जो कि आपका क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है, और ये बाइल जूस आपके गॉल ब्लैडर में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है, ये आपका पेनक्रियाज है जो पेनक्रियाटिक जूस को क्या करता है, सेक्रेट करता है, कहां सेक्रेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो तीन तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करते हैं, कौन कौन से, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज, इन तीनों का फंक्शन क्या होता है, ये किस तरह के फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ये भी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, अब डाइजेशन को अच्छे से समझने के बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, अपने एब्जॉर्प्शन पे, यानी कि हमारा फूड जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अब ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरोल के फॉर्म में क्या होते हो चुका है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है। अब क्या होगा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये देखिए कुछ फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करेंगे, एक साइड से हमारे इंटेस्टाइन के वॉल्स में ओपन होते हैं और दूसरे साइड से ये हमारे ब्लड कैपिलरीज से कनेक्ट होते हैं। अब ये क्या करेंगे, अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करने के बाद जो भी हमारा कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद सब्सटेंसेस बने हैं उनको एब्जॉर्ब करेंगे, उनको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद उनको ब्लड कैपिलरीज के रास्ते हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक क्या करेंगे, पहुंचाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन का नाम देंगे। ठीक है, देख लीजिए कि आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल दैट दे पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गो इनटू द ब्लड, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इनफैक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्पेशली अडैप्टेड फॉर द एब्जॉर्प्शन द डाइजेस्टेड फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, क्योंकि इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पे आपका क्या होता है, मिलियंस की संख्या में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम लोग विल्ली कहते हैं। ये विल्ली क्या करेंगे, अपने सरफेस एरिया को लार्ज करेंगे और इनके इस लार्ज सरफेस एरिया से जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो और ज़्यादा तेज हो जाएगा और ये डाइजेस्टेड फूड जो है ये इस विल्ली के माध्यम से हमारे ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल में जाएंगे और ब्लड उसको लेके कहाँ चला जाएगा, तो ब्लड उसको लेके जाएगा हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में, और जहां पे जब डाइजेस्टेड फूड इस ब्लड के रास्ते हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स में पहुंचेंगे तो वहां पे जो एसिमिलेशन का प्रोसेस है, यानी कि वहाँ पे उस डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिएंट को क्या किया जाएगा, निकाल के हमारे सेल को एब्जॉर्ब किया जाएगा, सेल उस फूड को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, सेल उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें से एनर्जी का फॉर्मेशन करेंगे, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और वहीं पर आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जब आपका ये फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर हमारे सेल के पास जाता है तो उस सेल में ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से आता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए,
द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज बाई आवर बॉडी इमिडिएटली इज स्टोर्ड इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लाइकोजन. दिस स्टोर्ड ग्लाइकोजन कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाई द बॉडी एज वेन रिक्वायर्ड. ठीक है, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है, जो आपकी बॉडी के द्वारा यूज नहीं किया गया, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हो गया, वो कहाँ स्टोर हो जाता है? वो आपका लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है. किसके फॉर्म में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में. और उस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं. और ये ग्लाइकोजन आपका तब यूज होता है जब आपके बॉडी को उस फूड का क्या हो, रिक्वायरमेंट हो, तब इस ग्लाइकोजन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इजेशन. जो भी आप फूड लेते हो, जो भी आप फूड लेते हो, उसका कंप्लीट फूड वो डाइजेस्ट नहीं होता है. उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो आपका अनडाइजेस्टेड के फॉर्म में बच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो एब्जॉर्ब नहीं होता है क्योंकि वो एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ. तो फिर वो कहाँ चला जाता है? वो उस पतले से ट्यूब से निकल के एक वाइडर ट्यूब यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपका चला जाता है. अब जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं, उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको क्या करते हैं, फेसेस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, फेसेस या स्टूल के फॉर्म में आपका कन्वर्ट कर देते हैं. अब जो ये आपका फेसेज या स्टूल होता है, ये जाके रेक्टम, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को हम लोग रेक्टम कहते हैं, इस रेक्टम में स्टोर हो जाता है. जब रेक्टम में स्टोर हो जाता है, उसके बाद जब भी आप लोग टॉयलेट जाते हो, तो आपके बॉडी से क्या होता है, ये फेसेज या स्टूल जो है वो बाहर निकल जाता है. और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इजेशन का नाम देते हैं या डिफिकेशन का नाम, डिफिकेशन का नाम देते हैं. ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, इजेशन होता है. The exit of feces is controlled by the anal sphincter. जो आपका feces का exit है, वो किसके द्वारा control किया जाता है? Anal sphincter के द्वारा, anal sphincter के द्वारा आपका control किया जाता है. तो ये last point था, इसको आपको याद रखना होगा. तो यहाँ पे आके बाबू हम लोग क्या किए, अपने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, अपने ह्यूमन बींग के न्यूट्रिशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग क्या किए, कंप्लीट किए, जिसमें हम लोग इंजेशन से लेके और कहाँ तक, तो इंजेशन से लेके और इजेशन तक के स्टडी को क्या किए, पढ़े. ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे अपने टूथ डिके के बारे में पढ़ना है या जो भी टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे. तो अपने पार्ट, ये पार्ट हमारा 6 था, यानी कि पार्ट 7 में हम लोग इसके आगे कंटेंट को क्या करेंगे, पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं. थैंक यू सो मच, और मन लगा के पढ़ाई करिए.